जब रात में आप जाते हैं घर तो अपने बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, जितनी बातें कहीं सर, पहले मैं उसमें आता हूं फिर सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर आता हूं। सबसे पहले मैं एयर इंडिया से ही शुरू करता हूं सर। वाजपेयी जी की सरकार थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों बहुत ही प्रॉफिट में थे सर। वाजपेयी जी की सरकार चली गई 2004 में, दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं वो सब इस सरकार को चलाने लगे सर। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मनमोहन सिंह जी बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके साथ चिदंबरम साहब महान अर्थशास्त्री, अब नहीं है हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, प्रणब मुखर्जी साहब, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब, सुब्रमण्यम साहब, आप नाम लीजिए। इस देश में जितना टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट थे सब के सब कांग्रेस की सरकार को चलाते थे। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने चलाया और उन्होंने एक फैसला किया सर कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जो है हम मर्ज कर दें। बहुत अच्छा हुआ, कभी मर्ज नहीं हुआ सर। 2010-11 तक जबकि यूपीए 2 बनी तब भी एक कमेटी इन लोगों को बनानी पड़ी, धर्माधिकारी कमेटी, और धर्माधिकारी कमेटी ने यह कहा कि एयर इंडिया का जो एम्प्लॉई का टेंशन है वो अलग है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, इंडियन एयरलाइंस का अलग है, कभी मर्ज नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं था, मर्जर के बाद जिनकी की कोई भी हैसियत नहीं थी जहाज खरीदने की, यदि मेरे पास ये सॉल खरीदने की हैसियत नहीं है सर तो मैं कैसे सॉल ये ले सकता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तय कर दिया कि मुझे 108 हवाई जहाज खरीदना है और उसके लिए भारत सरकार ने सॉवरेन गारंटी दे दी और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो प्रॉफिट में था, तत्कालीन जो एयर इंडिया के सीएमडी थे जो बाद में इलेक्शन कमिश्नर हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिखित कहा कि ये काम मत करिए, ये देश के लिए आप जो है अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जब कमीशन खोरी की सरकार हो सर तो क्या करती है, उसने उस सॉवरेन गारंटी में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को ऐसा फंसा दिया, उस लेगेसी से आज तक हम नहीं निकल पाए। और फाइनली मैं भारत सरकार को और सीतारामन जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने फाइनली एयर इंडिया को जो 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ प्रत्येक साल देते थे आज हमने उस पर विराम लगा दिया है। इसके लिए आप बधाई नहीं देंगे, बधाई के बदले मुझे कहेंगे गलती आपकी, चोरी आप करी और दोषी हम। हमने क्या किया, और इस पार्लियामेंट में लगातार मैं जिस दिन से सांसद बना 2009 से लेकर 2014 तक कम से कम 10 बार, गुरदास गुप्ता साहब अभी नहीं है, लगातार मैं इस सरकार को आगाह करता रहा क्या आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज यदि सरकार ने किया तो बधाई और धन्यवाद देने के बदले आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे। दूसरा सवाल है ऑयल बॉन्ड का सर, इन्होंने प्राइस की बात की, एलपीजी की बात की, क्योंकि इस बजट में 29,000 करोड़ रुपया जो है एलपीजी की बात है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि पिछली बार मैंने बोलते हुए काफी कुछ चीजें कह दी। पूरे दुनिया में प्राइस बढ़ रहे हैं, दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आपने जो कहा वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम करते हैं, झूठ की पॉलिटिक्स आप हम करते हैं कि आप करते हैं। आपने तो गुजरात चुनाव का उदाहरण दिया, आपने तो हिमाचल चुनाव का उदाहरण दिया कि प्राइस बढ़ नहीं रहे, लेकिन आपने जनता को क्या गुमराह किया, आपने जनता को यह कहा कि दुनिया में $120 पर बैरल हो जाए, $110 पर बैरल हो जाए, मैं जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कंट्रोल करके रखूंगा। और उसके लिए क्या रास्ता आपने अपनाया, क्योंकि कोई कंपनी घाटे में तो नहीं चल सकती है, आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया और उस ऑयल बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो किसको पूरा करना पड़ रहा है 2014 तक, क्योंकि आपको ये पता था। आपने इस देश में ऐसी ऐसी चीजें लागू की, कांग्रेस को ये पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है, जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है कि दोबारा उसको वापस नहीं आना है, और इसीलिए ये चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी के माथे पर और जो वित्त मंत्री है वित्त मंत्रालय के माथे पर थोपने के लिए आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया। आज ऑयल बॉन्ड को रिटर्न करने के लिए पैसा देना पड़ता है, और यदि हम ऑयल कंपनी घाटे में नहीं जाए और दूसरा जो है कभी हम अपने आम गांव गरीब किसान बच्चों को जो है कर्ज उसके माथे पर नहीं चढ़ाएं, यदि हम पैसा ले रहे हैं कौन सा अन्याय कर रहे हैं,
इसका क्या चुनाव में असर पड़ता है? यदि चुनाव की राजनीति होती तो हम उसको जो है 60 रुपया पर पेट्रोल और डीजल का दाम ले आते। माननीय मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं, कोई भी जो है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो आम गरीब जनता की पॉलिटिक्स करते हैं। तीसरा सवाल यह है सर, हेल्थ पर इन्होंने कहा, हेल्थ पर है ही, आप समझें कि पूरी दुनिया ने कोरोना में जो भारत सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, पूरे देश को एकत्रित किया, 130 करोड़ लोगों की यदि जान बची, आप हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि डाउन हो गया। मैं तो कोरोना के बाद संयोग ऐसा हुआ सभापति महोदय कि मुझे दुनिया के लगभग लगभग 50 देशों को घूमने का मौका मिला। मैंने अमेरिका भी देखा, मैंने यूके भी देखा, मैंने यूरोप भी देखा। जितने विकसित राष्ट्र थे और आज जो चाइना अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा है, आज भी चाइना में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। कम्युनिस्ट शासन में जहां की सरकार के खिलाफ बोलना एक मुसीबत है, जहां अपने जान में जोखिम उठाकर आप सरकार का खिलाफ कर सकते हैं, वहां कोरोना ने यह हालत कर दिया कि आज वहां गांव से लेकर शहर तक, हॉस्टल से लेकर खेती किसानी तक सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा न्यूयॉर्क शहर यदि आप जाइए तो पूरा का पूरा सेल पर है, वो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। यूके की हालत यह है कि पिछले 6 महीने में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। हमारा सौभाग्य है और हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस इंग्लैंड ने, अंग्रेज ने हमारे यहां रूल किया, आज भारतीय मूल के वहां प्रधानमंत्री है, इसलिए मैं सुनक जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में माननीय सीतारामन जी के कारण, वित्त मंत्री के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हम 130 करोड़ लोगों का जान बचा पाए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी टीका होता था, पोलियो से लेके छोटा मलेरिया फलेरिया तक होता था सर, उसके लिए हम लोगों को 10 साल 12 साल जो है टीका के लिए इंतजार करना पड़ता था। आप रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, आपने कभी भी जो है एम्स बनाने का प्रयास नहीं किया, आपने कभी गांव गरीब किसानों को देखने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार थी जिसने आयुष्मान भारत दिया, आज 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और 22 एम्स बने। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां की माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स नहीं दिया, और कई एक ऐसे राज्य हैं जहां दो दो एम्स बना। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमने बजट डाउन कर दिया, कुछ भी डाउन कर दिया, हमने 130 करोड़ लोगों के जान बचाने के लिए काम किया नहीं किया, इसके लिए आपने कभी बधाई दी, कभी विरोध के लिए विरोध करना है? इसी तरह का डिबेट चलेगा सभापति महोदय? अब मैं आपको बताऊं कि ये डिमोनेटाइजेशन पर आते हैं, उस दिन अधीर चौधरी साहब भी बोल रहे थे सर, और आज जब स्टार्ट किया शशि थरूर साहब ने, मुझे लगता है कि घड़ी कभी कभी जब रुक जाती है तो कांग्रेस की घड़ी, मैंने उस दिन भी बोलते हुए कहा था कि 1950 में कांग्रेस की घड़ी रुक गई, इसके आगे जो है वो बढ़ ही नहीं पा रही। होता है ना कि हमारे घर में बहुत गांव गरीब जमींदारी है सर, तो जमींदार के यहां क्या था कि किसी जमाने में मान लीजिए कि हाथी घोड़ा बंधा हुआ रहता था, आज तो जमींदार के पास हाथी घोड़ा बनता नहीं है, तो कोई जब फंक्शन होने लगता है तो किराए पर जो है वो हाथी घोड़ा लेकर आ जाते हैं और वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम जमींदार हैं। उसी तरह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कोई चीज समझ में नहीं आता कि उसने जब जब शासन किया इस देश में, जब 2014 में माननीय मोदी जी ने चार्ज लिया, उस वक्त देश के हालत क्या थे? कहीं भी बम विस्फोट हो सकता था, कहीं भी दंगा हो सकता था, फेक करेंसी का बोलबाला था, ड्रग्स डीलर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, संजय भंडारी से लेके जो अगस्ता वेस्टलैंड में अभी बंद है क्रिश्चियन मैकेल तक, ये सारे के सारे जो है ड्रग्स डीलर, आर्म्स डीलर, ड्रग्स का मनी, ट्रैफिकिंग का मनी, चाइल्ड और महिला के ऊपर जो है निर्भया जैसे कांड हो रहे थे, इस तरह के कांड को रोकने के लिए क्या आपको नहीं लगता था कि इस इकोनॉमी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ब्लैक मनी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ब्लैक मनी को बचाने की आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? और आरबीआई यदि कोई प्रपोजल लेकर आता है कि यदि आपको टेरर को खत्म करना है, आर्म्स और ड्रग्स के मनी को खत्म करना है, फेक करेंसी को खत्म करना है, ब्लैक मनी को खत्म करना है, तो उसके लिए रास्ता डिमोनेटाइजेशन है, तो डिमोनेटाइजेशन जो है कर दिया तो हमने गलत काम कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप ISI और PFI जैसे संगठन को, जो कि हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हमारे यहां है,
उसके लिए आप उनकी मदद करते हैं, आपको उसके लिए बधाई नहीं देनी चाहिए कि आज जो है ये कम हो गया, 2000 का नोट जो है रीमोनेटाइज हो रहा है, और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए, नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। इसके बाद सभापति महोदय, मैं मनरेगा पर आता हूं, यहां सारे सांसद बैठे हुए, मनरेगा पर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, मैं यहां मनरेगा पर आता हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता कि मनरेगा जो है कांग्रेस सरकार की सबसे घटिया योजना है। मैं सांसद होने के नाते ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में व्यक्तिगत तौर पर यह बात बता रहा हूं, मनरेगा में जितना करप्शन है शायद किसी भी योजना में करप्शन नहीं है, 50-55% मनरेगा में करप्शन है। अब देखिए हमारे सांसद कह रहे हैं 80%, क्योंकि सभी लोग मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, और मनरेगा आपने यदि लागू कर दिया, मनरेगा आपको पता है कि क्या लागू किया, क्या कानून आपने पास किया, वो डिमांड ड्रिवन है। ये कानून है कि जो राज्य जितना मांगेगा, जहां जितनी आवश्यकता होगी वहां उतना दिया जाएगा। यही कारण है कि आपकी जो पॉलिसी रही है, क्या होता था कांग्रेस की पॉलिसी कि बजट एस्टीमेट वो अलग बनाते थे, जैसे बजट पेश किया बजट एस्टीमेट है, जैसे अभी लेकर आई निर्मला सीतारामन जी 4,37,36,000 करोड़ का जो है नया सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेकर आए तो वो कहेंगे रिवाइज एस्टीमेट इतना होगा, और जब एक्चुअल होने लगेगा, जब 31 मार्च के आसपास होने लगेगा, तो उसमें जितना जो बजट एस्टीमेट है उससे भी कम जो है उनको डालना है। कांग्रेस की हमेशा नीति, मैंने आपको कहा ना कि देश को गुमराह करने का किसी ने काम किया, यदि इसके बैलेंस को किसी ने बिगाड़ने का काम किया तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है कांग्रेस है, कि उसका बजट एस्टीमेट अलग है, रिवाइज एस्टीमेट अलग है, एक्चुअल एस्टीमेट अलग है। हमारी सरकार है, हमारी सरकार क्या करती है कि बजट एस्टीमेट रिवाइज एस्टीमेट से जो एक्चुअल एस्टीमेट है वो और ज्यादा खर्चा होता है, और यही कारण है कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो डिमांड ड्रिवन है, जिस राज्य को जितना चाहिए, जिस लेबर को 100 दिन के रोजगार के लिए राज्य को काम करना है, लेकिन हम तेलंगाना तो नहीं बनने देंगे ना, वहां अभी नरेगा में जो है यहां किशन रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा फंड डाइवर्ट हो गया, हम बंगाल तो नहीं बनने देंगे ना, कि पूरा का पूरा बिहार नहीं बनने देंगे। आज की स्थिति ऐसी है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है, राज्य जो है अपनी योजनाओं को गलत तरीके से चलाने के लिए मनरेगा के फंड को यदि डाइवर्ट करेंगे तो क्या उसके लिए ऑडिट नहीं होगा, और यदि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे तो कहां भारत सरकार को सपना आ रहा है कि वो आपको पैसा भेज देंगे। और यदि मंत्री मिले थे हमारे स्टेट का, मैं तो डेलीगेशन लेके गिरिजा मनरेगा का और इशू करके डिसाइडेड ना दिया, मोटिवेटेडली टारगेटिंग हुई। मैं ये कह रहा हूं सर कि मैं चुनाव में जो है 1.5 महीने वहां बंगाल रहा हूं सभापति महोदय, और मुझे यह पता है कि यह फंड डाइवर्ट हो रहा है, और यदि फंड डाइवर्ट हो रहा है तो भारत सरकार के नियम के हिसाब से यदि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, भारत सरकार यदि संतुष्ट नहीं होगी तो हमारे और आपके चाहने के बावजूद भी वो पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि यह देश कानून से चलता है और कानून यह कहता है। आप सुदीपदा यहां के मंत्री रहे हैं, सीनियर आदमी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आप ही जिस विभाग के मंत्री रहे आप ये बताइए कि बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के आप अपने मंत्रालय में किसी राज्य को पैसा दे पाए? आपका पता कैसे हुआ कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया? इसी कारण से होगा, नहीं तो कोई दूसरा का, वो मंत्री योर टाइम विल कम, यू कैन एड्रेस, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, ही इज नॉट यील्डिंग, योर टाइम विल कम ऑनरेबल मेंबर। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, नो इस देश में सभापति महोदय इस देश में दो लोगों पर आई एम फोकसिंग यू आप ही की तरफ, एकदम अर्जुन की तरह जो है केवल मैं सभापति महोदय के चेयर की तरफ देख रहा हूं सर। इस देश में फर्टिलाइजर पर अभी बड़ा भाषण हुआ, दो चीजें जो है राजनीति करने के लिए, हम जितने लोग पॉलिटिशियन है सर, दो तीन चीजों पर हम लोग खूब राजनीति करते हैं, किसान की आय दुगुनी होनी चाहिए, किसान को फायदा होना चाहिए, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसान के साथ नुकसान होता है तो वो अन्नदाता है, और दूसरा
गरीब को जो है अमीर कर देना चाहिए, महिलाओं को जो है सुरक्षा हो जानी चाहिए। कोई ऐसा आदमी है इस देश में और खासकर पॉलिटिक्स में जो कि इन चीजों को नहीं जानता है, इन चीजों को भोगना नहीं चाहता है? लेकिन जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात हुई कि 1,09,000 करोड़ रुपया हम फर्टिलाइजर सब्सिडी में दे रहे हैं, वो समझने की बात है सर। इन बिटवीन द लाइन कांग्रेस के जो हमारे पहले के वक्ता थे वो सुनते नहीं है भाषण सर, बोल के चले जाते हैं। मतलब हमने हमेशा देखा है, ये चेयर को मैं ये कहता हूं कि ये गलत आदत है सर, उनको कम से कम भाषण सुनना चाहिए कि बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप ये समझें कि उन्होंने बिटवीन द लाइन ये जरूर बात कही कि जो कच्चा माल है उसका, जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए कच्चा माल है, वो कच्चा माल हमारे यहां नहीं है। और जब हमारे यहां नहीं है, जो खान हमारे यहां नहीं है, उस पर हमारा और आपका क्या कंट्रोल होगा सर? तो भारत सरकार क्या किसानों को सब्सिडी नहीं देगी? क्या ये चाहेगी कि उनको जो है मार्केट जो है तय करे कि फर्टिलाइजर का रेट क्या होगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो तीन चीजें जो बड़ी बात कही, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री का, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री का और वित्त मंत्री का आभारी हूं और बधाई देना चाहता हूं कि दुनिया में जहां कहीं कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद क्या हुआ, 2014 के बाद कृषि के क्षेत्र में जो बड़ा काम भारत ने किया उसके लिए पूरे देश को खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। यूरिया का जहां तक सवाल है सर, यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं, 50 किलो यूरिया के बदले आज अब 500 मिलीलीटर आप नैनो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। जिस किसान को 50 किलो यूरिया उठाना पड़ता था, जिसके लिए दाम देना पड़ता था, आज भारत ने, भारत देश नहीं दुनिया का सबसे पहला राष्ट्र है जिसने कि नैनो फर्टिलाइजर बनाया और उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन हो रही है और जगह जगह नैनो फर्टिलाइजर के प्लांट बैठ रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि यह बहुत बड़ा काम है? और उसके कारण से जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी हम दे रहे हैं और बाद में यही नैनो डीएपी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं कि यूरिया से यह डीएपी में भी जाने वाला है, तो उसके बाद एक तो किसानों को फायदा होगा कि 50 किलो जो है उनको बैग नहीं खरीदना पड़ेगा, 500 मिलीलीटर वो पॉकेट में ले जाकर उसका उपयोग करेंगे, और दूसरा जो हम इतना बड़ा फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रोक हो जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि हमने अपने पीएसयूज को कई एक जगह जो बंद हो गया था खाद का कारखाना, जैसे मेरे झारखंड में ही सर, सिंदरी में एक फर्टिलाइजर का खाद कारखाना था, यूरिया बंद हो गया, आपने अपने कारणों से बंद कर दिया। आप आज पीएसयू बेचने की बात कर रहे हो, पीएसयू को तो आपने ऐसे ढक्कन की तरह बेच दिया कि खत्म ही कर दिया। बरौनी का फर्टिलाइजर बिहार में था सर, बंद हो गया। गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट था उत्तर प्रदेश में, बंद हो गया। तालचर का फर्टिलाइजर प्लांट था उड़ीसा में, बंद हो गया। रामगुंडम का था वो बंद हो गया। ये सारे फर्टिलाइजर प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया 2014 में कि हमारी जो निर्भरता बाहर में है और जो ये प्लांट पड़े हुए हैं इसके लिए कुछ ना कुछ काम करो। और आज ऐसा सिचुएशन हो गया सर कि आज ये सारे फर्टिलाइजर प्लांट बनकर तैयार हैं और अगले साल से मुझे लगता है कि अपने को इंपोर्ट बहुत कम करना पड़ता है। आपकी गलती, आपने प्लांट बंद कर दिया, आप रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। रॉ मटेरियल के लिए जिस पीएसयू को एनएफएल से लेकर सारे जो भारत सरकार के जो यूनिट थे उनको जॉर्डन में कैसे माइंस खरीदना है, मोरक्को में कैसे माइंस खरीदना है, जिसके कारण कि हमारी जो निर्भरता है कच्चा माल पर वो कम हो पाए, उसके लिए आपने कभी नहीं सोचा। और उल्टा जब आज हम किसानों को सब्सिडाइज रेट में, क्योंकि उनके उनको हम बोझ नहीं डालना चाहते, किसानों को बचाना चाहते हैं, किसानों को कभी भी आपके जैसे राज्य में आत्महत्या करने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ता था वो हमारे राज्य में नहीं हो, आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी उसके लिए पैसा दे रही हैं, तो आपको वो बड़ा बुरा लग रहा है? आपको कह रहा है कि हमने ये कह दिया, हमने ये कह दिया? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आज यदि 1,09,000 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला जब बजट होगा तो यदि उसके लिए 50,000 से लेकर 1,02,00,000 करोड़ की भी आवश्यकता होगी तो किसानों को बचाने के लिए सरकार वो पैसा भी देगी। ये माननीय मोदी जी की सरकार। आप बात बिना बात के अब पीएम आवास रूरल और अर्बन पे आइए, इसमें हमने फंड दिया है। जब हम और आप भी हमारे साथ सांसद थे सभापति महोदय, जब हम बने एमपी तो 30,000 32,000 जिसमें कि एक वॉशरूम नहीं बनता है
उसमें जो है प्रधानमंत्री आवास बन रहा था, और शहरी क्षेत्र में तो बात ही छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्र में बनता था। जब माननीय प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने टारगेट रखा, कहा कि 2022 के टारगेट को 2024 कर दिया, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2022 टारगेट रखा था उनको यह पता था कि यह दो साल जो है पूरी दुनिया कराहने वाली है, पूरी दुनिया जो है कोरोना के कारण जो है परेशानी में हो जाएगी, हमको अपने व्यक्तियों का जो है, हमको अपने समाज के लोगों का, हमको अपनी जनता का जो है जान बचाने के लिए जो है सबसे ज्यादा परेशानी होगी। इस दो साल तक पूरा का पूरा दुनिया तबाह रहा, यदि 2022 से 2024 कर दिया और आज प्रधानमंत्री रूरल में या प्रधानमंत्री अर्बन में हम पैसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे हाउस होल्ड को हम पक्का का मकान देंगे, सारे हाउस होल्ड को हम यदि पाइप पानी देंगे जल जीवन मिशन में, और उसके लिए यदि हम पैसा दे रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? उसके लिए आपको धन्यवाद देने के बदले गरीबों को मकान नहीं होना चाहिए? या आप ही की तरह जो है गरीब को जो है कि हम गरीबी रेखा से हटाएंगे, 1971 में इंदिरा जी ने कहा कि गरीबी हटाएंगे और 2014 तक नहीं हटा पाए, और गरीब को केवल झूठ का बरगला कर जो है आप वोट लेते रहे, क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी यदि सबको LPG सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला योजना में, सबको यदि पीने का पानी दे रहे हैं, यस, जो जिनको भी LPG सिलेंडर नहीं है सबको हम दे रहे हैं, LPG सिलेंडर का कनेक्शन दे रहे हैं, और इसके बाद राज्य सरकारें जो है तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या इसके लिए बधाई और धन्यवाद नहीं देना चाहिए? इसके बाद आप आइए सर, दो तीन चीजें हैं जो मैं बोलना चाहता हूं कि आज दुनिया की इकोनॉमी क्या है। मैंने जैसे कहा कि चाइना बड़ी ही बुरी स्थिति में है, यूरोप की हालत खराब है, और कई एक जो चर्चा होती है सर कि हमारे यहां आज ही ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है सर, ये वर्ल्ड बैंक कहता है 6 दिसंबर की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, और वो कह रहा है कि इंडिया बेटर पोजीशन टू नेविगेट ग्लोबल हेडविंड्स देन अदर मेजर इकोनॉमीज। दुनिया में यदि कोई सबसे अच्छे इस इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है सर, ये रिपोर्ट किसका है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, कोई भी ऐसा दुनिया का बैंक नहीं है जो कि ये भारत को मेजर इकोनॉमी नहीं कर रहा है या हमारे माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद नहीं दे रहा है, और उसके पीछे रीजन है सर। अभी फिस्कल डेफिसिट, ये इन लोगों को ठंडा करिए सर, ये लोग सरकार वरकार तो बनाएंगे नहीं, केवल हल्ला कर रहे हैं सर तेलंगाना वाले। ये फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं सर, ही इज फ्रॉम तेलंगाना, रेवंत रेड्डी इज फ्रॉम तेलंगाना सर। वो लोग, उन लोगों को या तो बाहर कर दीजिए या यहां बैठा दीजिए सर, डिस्टर्ब हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी इज फ्रॉम तेलंगाना, ही इज माई फ्रेंड, दैट्स वाई आई नो ही इज फ्रॉम विद्यार्थी परिषद, एंड सिंस विद्यार्थी परिषद डेज आई नो ही सर। सर फिस्कल डेफिसिट की बात जो है शशि थरूर साहब ने कही, इन्फ्लेशन की बात होती है, फिस्कल डेफिसिट की बात होती है। मैं ये आंकड़ा लेकर आया हूं सर, ये 1960 से, अब आप समझिए कि जो कांग्रेस का शासन रहा सर, मतलब हमने क्या किया है इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बधाई के पात्र हैं कि 1966 10.80 इन्फ्लेशन रेट था सर, 1964 में 13.36 था सर, 67 में 13.06 था। कांग्रेस जब आती है क्या क्या होता है आप ये देखिए सर, जब 1974 आया, जबकि इमरजेंसी लागू हो गया, जब पूरा लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, तो 1974 में सर ये 28.60 था। जब 1983 में इंदिरा जी बड़ी पीक पर थी अपने, तो 11.87 था सर। जब नरसिम्हा राव जी और माननीय मनमोहन सिंह जी, जिनका कि पूरी दुनिया लोहा मानती है और हम भी मानते हैं कि उन्होंने लिबरलाइजेशन करके एक बड़ा काम किया, 1995 में ये 10.22% था सर, और जब
बड़े ही होशियार और होनहार जो आजकल इंडियन एक्सप्रेस में बड़े बड़े आर्टिकल लिखते रहते हैं, चिदंबरम साहब जब इस देश के वित्त मंत्री थे 96-97 में सर, तो उस वक्त 13.23 था, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा काम किया सर, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे किया जाता है उसके लिए एक बड़ा एमनेस्टी स्कीम लेकर आए, और वो आज भी जो है पूरा देश जो है उसके लिए जो टैक्स पेयर जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं आज भी वो परेशान हैं कि ये कैसा एमनेस्टी स्कीम लेकर आए। यदि ऐसा ही स्कीम आता है कि आप भारत सरकार को पैसा नहीं दो, क्योंकि आज जो हमारा सिचुएशन है सर, और मैं वित्त मंत्री जी को उनका बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं इन्फ्लेशन खत्म करके, कि आज हमारा जो इन्फ्लेशन है इतना होने के बाद भी केवल 5.13%, क्या इसके लिए इनको बधाई नहीं देना चाहिए? इन्होंने जो काम किया सर कि आज जो टैक्स कलेक्शन है, जो टारगेट इन्होंने 14 लाख करोड़ का फिक्स किया था, वो आप समझे कि 25% एक्सीड कर गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बिना इकोनॉमी के ही एक्सीड कर गया, 17 लाख 18 लाख करोड़ हो गया। जीएसटी जिसका कि टारगेट जो है 1 लाख 1.25 लाख करोड़ हमने फिक्स किया था, वो प्रत्येक महीने जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो 1.5 लाख करोड़ भी कभी कभी एक्सीड कर रहा है। क्या जीएसटी का कलेक्शन जो है इकोनॉमी बढ़ रही है, या हम इसके लिए हमको इनको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है इसके लिए हमको माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तीसरा सवाल यह है कि यहां सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके लिए मैं 2-3 सूचना देना चाहता हूं कि यह सरकार ने क्या काम किया है। और इस बजट में 12,000 करोड़ रुपया का एक प्रोविजनिंग लेकर आई है भारत सरकार रेलवे के लिए। आज तक जो रेलवे बना सर, वो रेट ऑफ रिटर्न की पॉलिसी से बना, रेट ऑफ रिटर्न की पॉलिसी अंग्रेजों ने बनाई थी। 150 साल पौने 200 साल से किसी भी सरकार और किसी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह देखने का काम नहीं किया कि जो गांव गरीब पिछड़े लोग हैं, आदिवासी जगह के लोग हैं, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनको जो है रेल की सुविधा कैसे मिले, क्योंकि पिछड़े इलाकों में रेल वहीं गया, जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जहां की राजा महाराजा बहुत मजबूत थे और उन्होंने बिना रेट ऑफ रिटर्न को देखे हुए, चाहे आप राजा महाराजा को जितनी भी गाली दिए, उन्होंने आम जनता को दिया। यह बात मैंने यहां कही, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी और खासकर माननीय वित्त मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो रेलवे ये गति शक्ति का जो प्रोग्राम लेकर आई है माननीय वित्त मंत्री जी, और उसमें जो ये 12,000 करोड़ रुपया इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, अब आप समझिए कि जो भी पिछड़ा इलाका है वो क्या कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर EIRR क्या है, आर्थिक आधार पर यदि हम वो रेल लाइन बनाएंगे तो उससे हमको गरीबों को हम कितनी बड़ी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसके आधार पर अब रेल लाइन बन रहा है। और मैं उसका सबसे पहला जो है उदाहरण हूं कि मेरे क्षेत्र में एक रेल लाइन गोड्डा टू पीरपैंती जो बनते बनते रुक गई थी, राज्य सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया था, तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 1400 करोड़ रुपया, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है झारखंड में झारखंड बनने के बाद कि 1400 करोड़ रुपया भारत सरकार ने यह तय किया कि हम ही देंगे पैसा और रेल लाइन बनाएंगे। और आज जिस तरह की नेशनल हाईवे बनता है, सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और देश के लिए मैं एक जानकारी दे रहा हूं कि अब आपके यहां भी जो वर्षों से, क्योंकि कांग्रेस का जो ये नीति रहा कि पहली बार बजट में घोषणा कर दो, 5 साल के बाद जो है उसके लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चालू करो, उसके 5 साल के बाद पैसा दो, और उसके 5 साल के बाद यदि बनेगा बनेगा, क्योंकि मेरे यहां एक सुल्तानगंज टू देवघर रेल लाइन है सर जो आज से 30 साल पहले अनाउंस हुआ है, उसका लैंड एक्विजिशन तक नहीं हुआ है, जो आपने जो है जनता को गुमराह करने शुरू किया था इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके जो खत्म किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और आप लोगों के यहां भी यदि कोई रेल लाइन बनने का होगा तो आर्थिक आधार पर यह रेल लाइन भारत सरकार बनाएगी, और उसमें इस बजट में जो है यह बहुत बड़ा प्रोविजन किया गया है। जो दूसरा और बड़ा प्रोविजन है सर, वो प्रोविजन है टेलीकॉम। टेलीकॉम में यदि भारत सरकार का BSNL यदि अच्छा काम नहीं करेगा, और क्या सिचुएशन था मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि सभी जगह 4G हो गया, BSNL 4G में नहीं गया, MTNL कैसे डूब गया, मैं उसके तह तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसमें उन्होंने 13,000 करोड़ तक का प्रोविजन किया है। पूरी दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी भारत ने लॉन्च की, सहरसा में जो है वो रोल आउट हो रहा है, और ये केवल और केवल भारत के
जो वैज्ञानिक हैं भाई, भारत के जो लड़के हैं, क्योंकि जब भारत सरकार ने तय किया कि चाइना की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, चाइना का इक्विपमेंट नहीं आएगा, आज 5G लागू हो गया और 5G जगह जगह जा रहा है, और सरकारी कंपनी में चालू हुआ, 5G सरकारी कंपनी में चालू होगा, BSNL को उसको देने को तैयार है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको सब कुछ देने को तैयार है, उसके लिए 13,000 करोड़। सभापति महोदय, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 5G टेक्नोलॉजी यदि चालू हो गई, यदि मान लीजिए प्राइवेट में ही चालू हो गई, यदि सरकारी में चालू नहीं हुई, यदि भारतीय वैज्ञानिकों ने किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यदि बधाई धन्यवाद नहीं देना चाहते हो, तो कम से कम वैज्ञानिकों को तो दे दीजिए। क्या नहीं देना चाहिए? अंबानी को दे दीजिए, अडानी को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, लेकिन यह तो कहिए कि भारत ने 5G टेक्नोलॉजी आगे किया और उसके लिए 13,000 करोड़ रुपया जो है इसमें बजट में प्रोविजन है। ये सारे जो बजट के जो एस्टिमेट है सर, अब आप समझिए, एक और जो बड़ा है कि हमने लगभग जो है 80,000 करोड़ जो महत्वपूर्ण है सर, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इस बजट में 80,000 करोड़ रुपया दिया। कोरोना के कारण मैंने जैसे आपको कहा कि पूरी दुनिया तबाह रही थी, समस्या ये थी कि लोगों की जो है जान बचाना, क्योंकि सबसे हमारे यहाँ कहा जाता है सर, जितने भी अमीर है पहले से, कि यहाँ भी पार्लियामेंट में लिखा है कि अयं निजा परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तुंग वसुधैव कुटुम्बकम। भारत सरकार का जो एक नियम है और जिस श्लोक के सहारे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते रहे, वो ये है कि ओम सहना भत्तु सहना भुनत्तु सहवीर्यं करवा वह तेजस्विना मदीद वस्तु माँ विद विषा वह। तो गरीबों की सेवा करना इस सरकार का सबसे बड़ा फर्ज था, और कोरोना के बाद मैं वित्त मंत्री जी को फिर से बधाई, बस 2-3 मिनट में मैं खत्म करूंगा, बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो काम किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लगभग 80% 82% जो लोग हैं उनको लगातार हम कैसे सुविधा मिले, कैसे उनका पेट भरे, कैसे उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और इसके लिए 80,000 करोड़ दिया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूं। केवल 2-3 चीजें मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं। आज ही एक जवाब में जो है ये रेवंत रेड्डी के जवाब में जो है ये डॉलर के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कई एक ऐसे कंट्री हैं जिसमें कि रुपया एप्रिसिएट हुआ है, डॉलर यदि आगे बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की इकोनॉमी आगे नहीं जा रही, हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है, और जिस तरह से आपने इसको आगे किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। केवल एक चीज जो मेरा विषय है, जो मैं हमेशा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करते रहता हूं, कि जो हमारा कंसर्न था क्रिप्टो करेंसी पर, जब मैंने आज 1.5 साल पहले बात किया था इसी पार्लियामेंट में, तो हमने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये ट्यूलिप मेनिया का पार्ट है और ये चिटफंड और क्रिप्टो करेंसी में कोई फर्क नहीं। कई एक लोगों को लगता था कि ये युवाओं के खिलाफ जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया UN से लेके G20 तक जहां जहां आप गई हैं, आपके कंसर्न को देखा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें आग्रही हैं कि इसमें टेरर का मनी है, इसमें ड्रग्स का मनी है, इसमें इलिसिट मनी है, और बेसिकली ये पूरा का पूरा चिटफंड कंपनी है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि जब आप डार्क वेब पर है, जिसको कि हम कंट्रोल, उदासी साहब यहाँ हैं जो कि हम लोग लगातार इनको आगे बढ़ाते रहे, मेरा आपसे केवल आग्रह रहेगा कि आपने इकोनॉमी को इतनी मजबूती दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी मजबूती दी है, अब ये क्रिप्टो को जो है कंप्लीट बैन करने का समय आ गया है, क्रिप्टो को बैन करिए। आपने मुझे मौका दिया, आप ये सप्लीमेंट्री बजट लेकर आई, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, हम अपने प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस बुरी परिस्थिति में भी आपने 130 करोड़ लोगों की जान बचाई। आपको पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।